लोकसभा अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मांडण्यास अखेर मंजुरी मिळाली आहे. मतदानानं विधेयक मांडण्यास मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत मतविभाजनाची मागणी केली. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी मतदान घेतलं. 186 विरुद्ध 74 मतांनी या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकावरून विरोधकांनी लोकसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातला. तसेच हे विधेयक मूलभूत हक्कांचं हनन असून घटनांविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. पण या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांच्या हिताचं रक्षण होणार नाही, मात्र त्यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ होईल असा मुद्दा मांडला. थरूर यांच्या नंतर ओवेसी यांनी देखील या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. सुप्रीम कोर्टने जजमेंट दिया की ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, याने शादी खत्म नहीं होती है. जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. सेकेंडली वाई आई से डज नॉट सेट रैशनल नेक्सस, बिकॉज द सेम थिंग यू. सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन एनी वे रीजनेबली लिंक टू द प्रपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल. थर्ड पॉइंट सर, कंप्लीट कर. थर्ड पॉइंट सर, बिकॉज पनिशमेंट सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायोलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायोलेशन नहीं है. लास्टली सर, वाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. मैं खत्म कर रहा हूं सर. सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं. 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस. और आखिर में सर, सर 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 आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? हा वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन वीडियो पाहण्यासाठी एमकेएन से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल बटन दाबा. ताजा अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा फक्त एमकेएन, प्रतिबिंब वास्तवतेचं.